जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 12वां अध्याय। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आविर्भाव और उन्हें ध्रुव पद दान। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, यह सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उस वन से चल दिया। और हे द्विज, अपने को कृतकृत्य सा मानकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसीलिए वह इस पृथ्वी तल में मधु वन नाम से विख्यात हुआ। वहीं मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मधुरा अर्थात मथुर नाम की पुरी बसाई। जिस मधुवन में निरंतर देव देव श्री हरि की सन्निधि रहती है, उसी सर्व पापापहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उन्हें जाकर जिस प्रकार उपदेश किया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार हे विप्र, अनन्य चित होकर ध्यान करते रहने से उनके हृदय में सर्वभूतांत अंतर्यामी भगवान हरि सर्वोत्तम भाव से प्रकट हुए। हे मैत्रेय, योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली माता पृथ्वी उनका भार न संभाल सकी। उनके बाएं चरण पर खड़े होने से माता पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया। और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच से दबाकर खड़े हुए, तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। हे महामुनि, उस समय नदी नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत शुद्ध हो गए और उनके शोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मची। हे मैत्रेय, तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल होकर इंद्र के साथ परामर्श करके उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। हे महामुनि, इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना रूप धारण कर उनकी समाधि भंग करना आरंभ किया। उस समय माया ही से रची हुई उनकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उनके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र ऐसा कहकर करुणा युक्त वचन बोलने लगी। उसने कहा, पुत्र, तू शरीर को भुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे, मुझ अकेली अनाथा दुखिया को सौत के कटु वाक्यों से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। मुझ आश्रयहीना का तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहा तो 5 वर्ष का तू और कहा तेरा यह अति उग्र तप। अरे, इस निष्फल कलेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तदंतर समस्त भोगों के भोगने का और फिर अंत में तपस्या करना भी ठीक होगा। पुत्र, तुझ सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है, उसी में तू तपस्या करना चाहता है, तो इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है? तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना ही है, अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लग, मुह का अनुवर्तन ना कर और इस तप रूपी अधर्म से निवृत्त हो। पुत्र, यदि आज तू इस तपस्या को ना छोड़ेगा तो देख, तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा। तब, अरे पुत्र, यहाँ से भाग भाग, देख इस महाभयंकर वन में ये कैसे कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह चली गई और वहाँ जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी, ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया, उस नित्य योग युक्त बालक को भयभीत करने के लिए।
अपने मुख की अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों सियारियां घोर नाद करने लगी। वे राक्षसगण भी इनको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ, इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि के से मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को त्राण देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे, किंतु उस भगवदा शक्ति चित बालक को वे राक्षस उनके शब्द सियारियां और अस्त्र शस्त्र आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिए। वह राजपुत्र एकाग्र चित से निरंतर अपने आश्रयभूत भगवान विष्णु को ही देखता रहा और उसने किसी की और किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ। अतः उसके तप से संतप्त हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि की शरण में गए। देवता बोले, हे देवाधिदेव जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहे हैं। हे जनार्दन, इस उतानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्रत्व चाहता है या सूर्यत्व, अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। अतः हे ईश्वर, आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उतानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। श्री भगवान बोले, हे सुरगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूंगा। हे देवगण, तुम निश्चिंत होकर इच्छा अनुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, देवाधिदेव, भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम कर अपने अपने स्थानों को गए। सर्वात्मा भगवान हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न होकर उसके निकट चतुर्भुज रूप से जाकर इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे उतानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुव्रत, तू वर मांग। तूने संपूर्ण बाहरी विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांग। श्री पराशर जी बोले, देवाधिदेव, भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपने ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष और खड़ग धारण किए देखकर उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देव देव की स्तुति करने की इच्छा की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ, क्या कहने से इनका स्तवन हो सकता है, यह न जानने के कारण वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देव देव की ही शरण ली। ध्रुव ने कहा, भगवान, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं, तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे वर दीजिए जिससे मैं स्तुति कर सकूं। हे देव, जिनकी गति भगवान ब्रह्मा आदि विदग्य जन भी नहीं जानते, उन्हीं आपका मैं बालक कैसे स्तवन कर सकता हूँ। किंतु हे परम प्रभु, आपकी भक्ति से द्रवीभूत हुआ मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है, अतः आप इसे उसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजवर, तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उतानपाद के पुत्र को अपने वेदमय शंख के अंत वेदांतमय भाग से छू दिया।
तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोले, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जो अति शुद्ध सूक्ष्म सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे हैं। वह पुरुष जिनका रूप है, उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत, गंध आदि उनके गुण, बुद्धि आदि अंतःकरण, चतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष जीव से भी परे जो सनातन पुरुष हैं, उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण में हूँ। हे सर्वात्मन, हे योगियों के चिंतनीय, व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नामक स्वरूप है, उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तकों वाले, हजारों नेत्रों वाले और हजारों चरणों वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं और पृथ्वी आदि आवरणों के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर 10 गुण महाप्रमाण से स्थित हैं। हे पुरुषोत्तम, भूत और भविष्यत जो कुछ पदार्थ हैं, वे सब आप ही हैं तथा विराट स्वराट और सम्राट और अधिपुरुष अर्थात ब्रह्मा आदि भी सब आप ही से उत्पन्न हुए हैं। वे ही आप इस पृथ्वी के नीचे ऊपर और इधर उधर सब और बड़े हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है तथा आपसे ही भूत और भविष्यत हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आपके स्वरूप भूत ब्रह्मांड के अंतर्गत है। फिर आपके अंतर्गत होने की तो बात ही क्या है। जिसमें सभी पुराणों का हवन होता है, वह यज्ञ प्रसादाज्य दधि और घृत तथा ग्राम्य और वन्य दो प्रकार के पशु आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप ही से त्रक साम और गायत्री आदि छंद प्रकट हुए हैं। आपसे ही यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है और आपसे ही अश्व तथा एक और दांत वाले महिष आदि जीव उत्पन्न हुए हैं। आपसे ही गौओं बकरियों भेड़ों और मृगों की उत्पत्ति हुई है। आप ही के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र प्रकट हुए हैं तथा आप ही के नेत्रों से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, भीतरी छिद्र अर्थात नासांध्र से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, श्रोत्र से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार हे प्रभु, यह संपूर्ण जगत आपसे ही प्रकट हुआ है। जिस प्रकार नन्हे से बीज में बड़ा भारी वट वृक्ष रहता है, उसी प्रकार प्रलय काल में यह संपूर्ण जगत बीज स्वरूप आप में ही लीन रहता है। जिस प्रकार बीज से अंकुर रूप में प्रकट हुआ वट वृक्ष बढ़कर अत्यंत विस्तार वाला हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में यह जगत आपसे ही प्रकट होकर फैल जाता है। हे ईश्वर, जिस प्रकार केले का पौधा छिलके और पत्तों से अलग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जगत से आप पृथक नहीं है, वह आप में ही स्थित देखा जाता है। सबके आधारभूत आप में ही हिलादनी, निरंतर आनंदित करने वाली और संधनी, विच्छेद रहित संवित विद्या शक्ति अभिन्न रूप से रहती है। आप में विषय जन्य आनंद या ताप देने वाली सात्विकी या तामसी अथवा उभय मिश्रा अर्थात राजसी कोई भी संवित नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण हैं। आप कार्य दृष्टि से पृथक रूप और कारण दृष्टि से एक रूप हैं। आप ही भूत सूक्ष्म हैं और आप ही नाना जीव रूप हैं। हे भूतांतरात्मन, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। योगियों के द्वारा अंतःकरण में आप ही महतत्व प्रधान पुरुष विराट सम्राट और स्वराट आदि रूपों से भावना किए जाते हैं और क्षयशील पुरुषों में आप नित्य अक्षय हैं। आकाश आदि सर्वभूतों में सार अर्थात उनके गुण रूप आप ही हैं।
समस्त रूपों को धारण करने वाले होने से सब कुछ आप ही हैं, सब कुछ आपसे ही हुआ है, अतएव सबके द्वारा आप ही हो रहे हैं, इसीलिए आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आप सर्वात्मक हैं क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। अतः मैं आपसे क्या कहूँ, आप स्वयं ही सब हृदय स्थित बातों को जानते हैं। हे सर्वात्मन, हे सर्वभूतेश्वर, हे सब भूतों के आदि स्थान, आप सर्वभूत रूप से सभी प्राणियों के मनोरथों को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया, और हे जगतपते, मेरी तपस्या भी सफल हो गई क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य ही तेरी तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता, इसीलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्रुव बोले, हे भूत भयेश्वर भगवन, आप सभी के अंतःकरण में विराजमान हैं। हे ब्रह्मन, मेरे मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्विनीत जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय से इच्छा करता हूँ, उसे आपकी आज्ञानुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है? इंद्र भी आपके कृपा कटाक्ष के फल स्वरूप ही त्रिलोकी को भोगते हैं। प्रभु, मेरी सौतेली माता ने गर्भ से अति बढ़ चढ़कर मुझसे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं हुआ उसके योग्य यह राजासन नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। श्री भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसीलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित रहने वाला, माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवा अवस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूप लावण्य युक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई, और जिन स्वयंभू मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, औरों के लिए यह स्थान इतना ही दुर्लभ हो, परंतु जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है उसके लिए स्वर्गादि लोगों का तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निसंदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है संपूर्ण ग्रह और तारा मंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव अर्थात निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्त ऋषियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल चार युग तक और कोई एक मन्वंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं एक कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी, और जो लोग समाहित चित से सायंकाल और प्रातःकाल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे उनको महान पुण्य होगा। श्री पराशर जी बोले, हे महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवाधिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अत्युत्तम स्थान में स्थित हुए।
हे मुने, अपने माता पिता की धर्म पूर्वक सेवा करने से तथा द्वादशाक्षर मंत्र के महात्म्य और तप के प्रभाव से उनके मान वैभव एवं प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आचार्य शुक्रदेव ने ये श्लोक कहे हैं। अहो, इस ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है। अहो, इसकी तपस्या का कैसा अद्भुत फल है जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्त ऋषि गण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इनकी महिमा का वर्णन कर सके। जिसने अपनी कोख में उस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है, जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।